थोड़ी देर के लिए छाया में बैठ जाओ। इतनी गर्मी है, मेरा बेटा बेहोश हो गया है, हालत इसकी बिगड़ रही है। हरिश्चंद्र कहने लगे पागल ना बना, रोहितास को कुछ हुआ नहीं है, गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गया है, हवा कर दो होश आ जाएगा। पुत्र के ऊपर जैसे ही माँ ने हवा की है, थोड़ी देर में रोहितास ने आंखें खोल दी है, और रोहितास ने जब आंखें खोली है, ब्राह्मण जी ने देखा है कि हम जो पानी लेकर के आया हूं, इतनी कड़ी धूप है, तीनों प्राणी चल रहे हैं, प्यास लग रही होगी, लाओ पानी पिलाने। महाराज के पास में गए, जवाब दिया लीजिए राजन पानी पियो। पानी पी लो, चलते तो रहोगे, दूर है काशी, पानी पी लो ना। बोले नहीं, पानी मैं नहीं पी सकता और ना ही मेरी पत्नी पी सकती है, पीना चाहे तो मेरे बच्चे को पूछो, अगर वो पीना चाहे तो उसे पिला दो, वो छोटा है। रोहितास के सामने पहुंचे हैं, जवाब दिया बेटा तुम ही पानी पी लो, तुम्हारा गला सूख रहा होगा, तुम्हारे माता पिता तो इतने निर्दयी हैं जो तुम्हारी हालत को देख करके उन्हें कुछ नहीं हो रहा, हमें तो बहुत दुख हो रहा है, तुम इतनी कड़ी धूप में चल रहे हो, इसलिए लो पानी पी लो ना। तो छोटे से बच्चे ने क्या जवाब दिया, ब्राह्मण जी आप हमें पानी पिलाने आए हैं, तो माफ करना हम आपके पानी को पी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पानी हम कब तक नहीं पीऊंगा, जब तक हमारे पिताजी तुम्हारे कृष्ण से दूर नहीं हो। पानी पीना तो हमारा जरूर है, छोटे से बालक ने जवाब दिया। रो कर रोहित ने जवाब दिया, आप तो भी प्रबल क्रोध आ गया।